सलाम महाराज। सलाम सलाम। अरे क्या बात है सिपाही, तुम क्या ले आए हो? महाराज उदासी से इस राज में है, ऐसे हम कहा था नहीं जो ये नाच गायन कुछ हो जी करावल जाए, उदासी है। ओ उदासी छा रहा है। हाँ महाराज। तो कोई अच्छे भाई जी कपड़ा खिलाओ, नाच गाना कराओ, मेरे राज का उदासी का दूर करा दो। ठीक है भाई जी। क्या है? यहाँ देखो नाच गायन करो कि इस राज का उदासी दूर हो जाए और मुंह मांगा इनाम लेकर यहाँ से। क्या आ गई है? हाँ अरे कादो नाचने के लिए, मेरे राज का उदासी का दूर कर दे। जाने कहाँ जाने कहाँ जाने कहाँ बिंदिया हीरा गली भौजी रे। चौनू सेठ के घर है, चौनू सेठ महाराज
सिपाही से क्या बात करते हैं आप लोग और से देखेंगे। सिपाही हाँ महाराज, को कुछ पैसे देकर जल्दी विदाई कर दो, ये ऐसे जाते हुए नाव लेते हुए जाए। ठीक बा टेंगरुओ कार्य मगरुओ भाई जी को खजाने के अपने बंद कर दो और इनार में चाबी फेंक दो। ठीक बा भेज दिए महाराज। भाई जी घर का बहुत गरीब है, ऐसे हम कह रहा बानी ये खजाना घर में बंद रहेगी, पूरा अरब दरब रुपया पैसा मोटरी बनेगी, सुबह इस गांव का नाम लेते जाएगी। तो काम करा ले जाओ, खजाना में बंद कर देना और जब तक पूरा मोटी ना बांधे तब तक नहीं खोलना। ठीक बा महाराज, मैं जा रहा हूँ, बंद कर देना जल्दी। सिपाही हाँ महाराज, हमारी लड़की सती बिहुला शादी करने योग हो गई है। अच्छा, मुझे चिंता लगा हुआ है कि कहीं अच्छा घर पर देख करके उसका शादी कर दिया जाए, ठीक है ना? हाँ महाराज। आइए साहब, ठीक है, यही बेचू सा महाराज है, अपने लड़की यानी सती बिहुला को शादी की व्यवस्था में चौनू सेठ के घर जाते हैं और चौनू सेठ महाराज और बेचू सा महाराज दोनों आदमी आपस में क्या बात करते हैं आप लोग देखेंगे। चलो सिपाही मेरे साथ चलो, कोई अच्छा घर पर देखा जाए। सिपाही यही चनू सेठ का मकान है। हाँ ये हाँ, चलते हैं इनसे कुछ बातें कर लूं, इसके बाद दूसरे जगह जाएंगे। जय राम जी की सेठ जी। जय राम जी की, क्या बात है मेरे दरवाजे आने का लिए जी? सेठ जी आपके दरवाजे पे आने का कारण यही है कि आपके पास एक लड़का है, उसी लड़का के बंदोबस्त में चले हैं, मेरी लड़की की शादी करनी है। मेरे पास लड़के हैं मगर मुश्किल की बात ही है शादी करने के लिए, मेरा ऐसा 6 पुत्र गुजर चुके हैं, 1 पुत्र मेरे बाकी लग गया है, इसके डर में उसको शादी नहीं तय कर रहा हूँ। मगर जब आप आ गए हैं तो आपका घर जरूर शादी कर सकते हैं, मगर एक बात का शर्त है। कौन सा शर्त है महाराज? शर्त है जो लोहा की मछली अकड़ा चाउर जो लड़की बनाएगी उसी लड़की से लड़का को शादी करेंगे। तो सेठ जी कान खोल कर सुन लीजिए, ये शर्त मुझे मंजूर है। हाँ, तो आपके घर में मैं शादी करने के लिए तैयार है। तो ठीक है तैयार है, तो पंडित जी महाराज को बुलवाइए और गन्ना मन्ना बनवाइए। का यही बुला ले जाए? ठीक हाँ, है सेठ जी। सिपाही हाँ महाराज, पंडित महाराज क्या बुला के लाना, सेठ जी बुला रहे हैं। ठीक बा पंडित जी महाराज दरबार में हाजिर। बात कहा जयमान? ये जयमान बात ये बेटे, यह आज एगो लड़का लड़की के दिन दशा देखे के बाद ब्याह के दिन बजे के बाद महाराज बोला बोलौनी है, वहां से बात विचार कर वहां का बोला ले बने महाराज। हाँ ए धावन चलो, तब हमारे समय हो चल जाओ। चलो हमारे दरवाजे पर मेहमान सब आ गए हैं, बड़ा लखंदर बाबू का शादी का तय हो रहा है, इसीलिए बुलाए हैं जी, जरा दिन दशा देखिए ये लड़के के शादी का। जयमान सुनो बेटिया, घर हमरे को मत बुला ले जाए, कैसे कि हमर जयमान का काज हो जाए। बाबा एक रोज के लिए फुर्सत कीजिए मेरे साथ चलिए। का जयमान हमरे चलो एक बार, जरूरी बात है तो चलो बेटे चलो जा। चलिए सिपाही महाराज, आज हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। अच्छा जल्द नाश्ता का इंतजाम कर दो महाराज। रउआ कहे का पहले सारा चीज इंतजाम हो चुकल बा। क्या हो चुका है? हाँ तो ठीक है चलो, मेहमान सब आते ही होंगे, उनको बैठने का भी इंतजाम करना। आइए साहब, वही बात है कि जिस रोज पंडित जी महाराज चौनू सेठ महाराज से बोले कि जो लड़की अकड़ा चाउर लोहा की मछली बनाकर खिला देगी उसी लड़की से शादी होगा, नहीं तो नहीं होगा, यह बात को सैरियत मंजूर बेचू सा महाराज कर लिए। आज वही लड़की लोहा की मछली आंकड़ा चावल का भोजन बनाएगी और पंडित जी और चौनू सेठ महाराज सभी लोग खाएंगे और वहाँ सखिया सब गारी गाएगी और दिन दशा सारा वहाँ ही धराएगा। ए मकान तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा मकान, बहुत अच्छे है महाराज। हाँ तो यही बात है मेरे साथ, जरा चला जाए वहाँ उनकी दरवाजे पर। पंडित महाराज हाँ जयमान यही मकान है। अच्छा बहुत सुंदर मकान बा जयमान, तो जरा
यही शादी करने के लिए हमें तय कर रहा हूं। अच्छा, तो आसन लगा रहा हूं। आसन लगाइए, बैठिए जरा। आइए, चनु सेठ महाराज बेचूसा महाराज से कह रहे हैं कि लोहा की मछली आकड़ा चावल सिपाही से कि दे दो और लड़की को बुलवा कर बनवाओ। सिपाही महाराज, जो सामान मैं लेकर चला हूँ आज उनकी हाथों में दे देना और कह देना बनाकर खिला देगी तो शादी होगा, नहीं तो नहीं होगा। महाराज क्या है? है लोहा का मछली आकड़ा चावल, है लिया आओ और जल्दी से भोजन तैयार करा लिया, हमने तो भोजन करी से अपना घर जाई से। ठीक है सिपाही, चले जाओ महल में और जाकर मेरी बेटी सती पिहुला है उसको बुलाकर मेरे पास लेकर आ जाओ। सिपाही गोड़ा तनी बाबूजी। खुशी रहो बेटी। बेटी आज तुम्हारे सत की परीक्षा लेने के लिए हमारे दरवाजे पे 5 मेहमान आए हुए हैं। ये लोहे की मछली और अकड़ा चावल लाए हुए हैं बगैर आग पानी का। इस मछली को और अकड़ा चावल का भोजन तैयार कर देना है। ठीक बाबा जी। हे इंद्र भगवान, हे नारद जी, हमरा सत के साधे खतरा 5 गो मेहमान सब आइल बा। अब 5 जना बेईमान आइल बा। सिपाही हाँ, मेहमान सब आए हुए हैं। मेहमान अरे 5 जना बेईमान, बिना आग पानी के लोहा के मछरी और आकड़ा चाउर बना दे बा। हे इंद्र भगवान, हे नारद जी, ली है बाबूजी। सिपाही महाराज, जाकर मेहमान सबसे बोल दो कि भोजन तैयार हो चुका है, चलकर भोजन कर लें। है जी मेहमान सब है। क्या सिपाही, भोजन तैयार हो गई? तैयार हो गया है। चलो चक्कू लगा डाली, करी लगी ना भोजन, करी लगी ना अपना घरे चल जाकर खा दो। सेठ जी से अपना जो लड़की बनाई है अपने हाथ से खिलाएगी तो मेहमान लोग खाएंगे ना तो नहीं खाएंगे, सब पास चले जाएंगे। महाराज मेहमान सब के कहना बा, जो लड़की खाना बनाई है वही अपना हाथ से खिलाएगी तो हम लोग भोजन करेंगे ना तो आपस चले जाएंगे। बेटी कहीं बाबूजी, मेहमान सब कह रहे हैं कि जो लड़की भोजन बनाई है वो अपने हाथ से भोजन कराएगी तो हम लोग भोजन करेंगे वरना वापस चले जाएंगे। ठीक बा बाबूजी, हम खाना खिला ले तनी। ए सब नाबा से समधि काहे लाई ले, सब नाबा से समधि का हे नया आई ए पटहारा के अधिकारी जी आहे, पटहारा के अधिकारी जी आहे, कोवा ले कारी लौका थारी पड़ोसी ले बाबा। का कहो हां ताली की होई गारे दियल बोल करा दे तो हमहु करिया के शुरू कर देबो। का है हमहु करिया के शुरू शुरू सगी सब का करल बड़ी। का कहो ताली कि सावन मासे संधि कहे लाइले। हां कटहर के अधिकारी जी। अच्छा आ कोवा कर के थारीपुर से अमुवरिया धाती पंडित जी के कारी जी। ए बाबा पर वो साफ ना सुनाइला। सखी लोग बात नहीं कहत। अच्छा सखी लोग कहता ये सावन मास समधि काहे न आईले। अच्छा कटहर के अधिकारी जी। अच्छा आ कुआ काढ़ के थारी पड़ोसी मुंगरिया फेंक दी घारी। ओ घारी जी, घारी जी, ओहो अगहन मास समधि काहे न आईले। का कहत है कि हन मास से संधि काहे लाइले। अच्छा हनवर के अधिकारी जी। अच्छा आ चिवरा फटक के थारीपुर से ले आ भूसवा दासी पंडित जी के कारी जी। ए बाबा अरवा दही चिवरा सोने मझुरा को नियर वा साफ ना सुनाई। अच्छा सखी लोग कहता का कहता ये वो बहन मास से संधि काहे न आईले। अच्छा धनवन के अधिकारी जी। अच्छा आ चिवरा फटक के थारी पड़ोसी
अब भूसवा फेंक दी घारी जी। पंडितवा के गारी तोहरा बापो के गारी हो। गाड़ी जंग दी। अरे भगवान के बियाह में गोपाल गाड़ी भई रहे। भगवान के बियाह में ये कुल गोपाल गाड़ी भरे। पंडितवा के गाड़ी ओकरा दादा के ओकरा आदा के ओकरा नाना के ओकरा बाबा के ओकरा नानी के ये कुल गाड़ी हो। नाना के गाड़ी तोहरा या जी के गाड़ी हो। आदि के गाड़ी तोहरा नानी के गाड़ी हो। पंडित जी महाराज ये कुली गाड़ी खुला। पंडित के गाड़ी ओकरा दादा के ओकरा आदा के ओकरा लाला के ओकरा बाबा के ओकरा बाबी के ओकरा लाड़ी ये कुली गाड़ी। पंडित जी महाराज आप उपरोहित हैं, आप अशुद्ध मत बोलिए। ये सखियां सब झूम झूम कर विवाह के अवसर पर मंगल गीत गाती है, वही मंगल गीत गा रही है। मंगल गीत होला कि पंडित के गाड़ी ओकरा बाप के ओकरा आदा के ओकरा लाला के ओकरा बाबा के ओकरा लाड़ी के ओकरा लाड़ी। पंडित जी महाराज भगवान श्री राम के विवाह में भी गोपाल गाड़ी हुआ था। हम लोग तो मनुष्य हैं। भगवान के बियाह में गोपाल गाड़ी भर रहे कि हाय कुली गाड़ी भर रहे कि पंडितवा के बाप के पंडितवा के दादा के ओकरा आजा के ओकरा लाना के ओकरा बाबा के ओकरा नानी के ये कुली गाड़ी हो। हां जय मां, ये तो खाना तैयार हो गया है महाराज। क्या है? ये खाना तैयार हो गया आपकी घर में, जरूर अपने लड़का को शादी कर सकते हैं। क्या शादी कीजिएगा? जरूर कर सकते हैं। तो ठीक है, पंडित जी महाराज से गन्ना मन्ना बनवाइए। गन्ना मन्ना बैठा लिया जाए? हाँ हाँ, जरा गन्ना मन्ना देखिए बैठता है कि नहीं बैठता है। लड़का के नाम का हो? लड़का का नाम बला लखंदर। बला लखंदर, लड़की के नाम शक्ति बिहुला। शक्ति बिहुला, उत्तराखंड में राशि एगो पख में तीन गो पुरनवासी। ए बाबा, इतना इतना झूठ बोले रहुआ। सुन, आजकल के बात रहे, इस सच के बात हो। जाना टाइम में तेरे तेरे दिल के पख लगा रहा जजबान, वही बड़ी के बात हो बाबा। हाँ जयमान। अरे दूसरा पत्रा नहीं मंगाए हैं? ए जयमान सुनो, ये गुड़ नहीं खा बैठा। लड़की लड़का पड़ता बिलाई पर लड़का जा। ए जयमान क्या हम रात से को जोड़ लो बता। अरे महाराज चश्मा लगा लिए। लड़की पड़ता बिलाई पर लड़का पड़ता मुस पर, क्या गुड़ नहीं बैठा है? गुड़ नहीं खा बैठा। छोड़ दीजिए, नहीं शादी होगा, चलिए हम लोग अपने घर के लिए। पंडित जी महाराज। हाँ जयमान, जरा सामने आइए। अच्छा ये बताइए, ये कौन साल का पत्रा लेकर आप चले हैं? जा ए जयमान। क्या? ए जा ए जयमान, सुनो हम तो देखा था नहीं नवासी में। बताइए अब ये 2003 बीतने वाला है बाबा। वो पत्रा में देखी जान मोसरक चोरा के ले आई निशान मंदिरवा में सोई में। ए जयमान, पत्रा हमला चोरा ले। ए जयमान सुनो, कुछ हमरा हाथ से कब जो लौका तो लौको पत्रा ले बली। बहुत सुंदर गुड़ बन जाता बैठाई। सुना तारीख पड़ता 30, दिल पड़ता 20। पंडित जी महाराज कौन सा दिन बताए हैं? तारीख पता 30 और दिल पता 20 है। इतना नजदीक और आगे भाई लोगन लिखे आगे शादी का लगन नहीं है। अब तो आगे भाई लोगन नहीं है रहल। आगे भाई लोगन कहां से? तो ठीक है, आप अपने सेठ जी को बता दीजिए। ए जयमान, धान दो गई। क्या समय से ऊख भी दो गई ये बाढ़ में। आगे भाई लोगन बोढ़ी का नहीं लगन मिला हुआ है। मिला हुआ है, सुना तारीख पता 30। इतना जल्दी बता रहे हैं? हाँ, दिल पड़ता बीएफ है। इतना जल्दी में कौन सामान मिलेगा जहाँ बारात लेकर जाएंगे? तो आगे बाहर लगले रखे जयमान। अच्छा लगन खत्म खत्म हो गया है अब। हे तब अच्छा। तो हतर हुक महाराज, तुम उनसे हम अपने बेटिया घर राय कर लें। हाँ जाकर बात करो महाराज। ये कहिए सेठ जी, बता रहे हैं ये 30 तारीख पड़ता है, ये आगे लगन नहीं है। आगे लगन खत्म है, आगे लगन नहीं है तो ठीक है, इसी दिन पर
दिन रख लिया जाए महाराज। रख लिया जाए? हाँ तो ठीक है, आप जाइए अपना सामान कीजिए, हम इसी दिन पर बरात लेकर आ जाएंगे। सिपाही। हाँ महाराज। पंडित महाराज। हाँ जयमान। चलिए हमारे बरात में आपको चलने होगा। जयमान पूरा बरात करके मत कहो, कैसे कि हमारे जयमान का काज हो जाए। नहीं नहीं, एक रोज के लिए फुर्सत कीजिए, मेरे बरात का शोभा कर दीजिए। जयमान हमारा बरात चले। जरूरी बात है। अच्छा जयमान कोई बात नहीं, जब हमारा बरात चलेगा तो जाता नहीं, यही में आठ सवा से लगा के कपड़ा बड़ा साफ। ठीक है जाइए बाबा। हाँ महाराज। अब तो दिन करीब हो गया है, सब सामान हाँ। खरीदना जरूरी बात खरीदे है। पारी तो पहले एक काम करो, लड़के के जाने के लिए सवारी बनना है, नालकी नहीं तो पालकी, ये जीप और कार का कोई भरोसा नहीं है ना। जाओ कहीं तय करो। पहले तय कर लिया हम बेटिया से। हाँ तय कर लिए। बात क्या है सिपाही? बारात बहुत भारी आई। क्या बहुत भारी बारात आएगा? हाँ। तो ठीक है लेकर आना, कम से कम 300 बस हो जाए। 300 बस लाएगा? हाँ। बहुत अच्छी की बात है। कम से कम 400 ट्रक हो जाए। ठीक है उसको भी लेकर आना। जीप के टेकर के तंता लग जाए। सिपाही उसका भी इंतजाम हम कर देंगे। टाउन भर के साइकिल हो जाए। ठीक है लेकर आना। जवार भर के रिक्शा हो जाए। रे कह तो दिया सब कुछ लेकर आना। आदमी पर 3 मन राशन चाहिए। सिपाही हाँ, पहले एक बात बताओ, काची बारात में राक्षस जाएंगे कि आदमी जाएंगे? आदमी जाएंगे, 3 रोज बारात रही खा जाएंगे सब। ओ 3 रोज बारात रहेगा। ठीक है उसका भी इंतजाम कर देंगे। बारात रखे खातिर दूर कुटार कोड़वा दे। बेहुदा, अरे इतना लंबा चौड़ा बता रहा है बारात आएगा और बोलता है कि 2 जमीन कोड़वा दीजिएगा। हाँ वो खुटार कोड़वा है, खुटारे में बारात। ठीक है उसका भी इंतजाम कर देंगे। 2 एकड़। ओ 2 एकड़। हाँ यही कहो। ठीक है इंतजाम करा देंगे, जाओ। ठीक बा महाराज, हमने बारात लेकर आइबे करो। ठीक है जाकर लेकर आना। सिपाही हाँ महाराज, तय कर लिया है सब, वहाँ का साकार लेने कर लिए हैं। हाँ एक काम करो, कहिया कहीं नाच देखो, कहीं बजा देखो, वो भी बनना जरूरी बात है, बिना बजा को नहीं जाएंगे। हाँ नाच लेकर जरूरी है, बात लेकर जरूरी है। रे नाच वाला रे, कौन का नाच है रे? रे कौन है रे? रे नाम उसे मार के बोल दे। ए भाई है कौन हो? हमारी नहीं की रे, तू कर कैले बा? हमारी का हमरा चिन्हत नहीं थी। ए भाई है रे, तू कर कैले पहले थक के मारो तो ना। रे नाच वाला रे, नाच वाला कैले बा? आई एम द टोंगरी ओदार दे। आई एम द ओदार दे। अरे चिन्हत नहीं थी। रे कौन है रे? रे बड़ा रे भाई, तू कैसे बोल रहा है? अशुद्ध मत बोलो। अरे कहो ये नाच वाले भाई अपने, वो कैसे बोलेंगे उनकी, बोलो ना ऐसे। नाच वाला भाई कहे और क्या? अच्छा ए नाच वाला भाई। का भाई? ठीक है हमारे जबान में दोष बा। हाँ ये बताओ, ये 30 तारीख के खाली बड़ा बाटे खाली? ये बताओ ये घड़ी के लगन में कितना में जाता रहा लोग? ये घड़ी के लगन में 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000। बाप रे, कितना पैसा मांग रहा है? 12,000, 8,000, 9,000, 10,000। ये नाच वाले अच्छे बजाते हैं, नाच वाले को तय कर लो भाई। हते ऐसा रहू लोग तो कह देता है, गाड़ी देव तो खेत के मल छुड़ा देव। सो नचनियन के तो रास के ना हो सारवा, निमन करी से तबो सारवा, बाउर को के जही से तबो सारवा। सिपाही हाँ, मगर लड़के के जाने के लिए सवारी बनना है और पालकी कहीं ठीक करो, कहीं गांव में पालकी मिले तो उसी पालकी को मान लिया। नालकी ना तो पालकी, पुरनका जमाना का जा रहा बनी हम कोहरिया लुकिया। ए कहार भाई। हाँ महाराज। हमारा अपराध करना है, कर देगा? जरूर कर दे। कितना पैसा लेगा? ए घड़ी है महंगाई देख के आधार देख के 20 रुपए में अपन पालकी बांध। क्या 20 रुपए में चलेगा? हाँ तो ठीक है, चलो 20 रुपए तुमको हमको देंगे। हमारा भाई से राय कर ली। ए तेरा भाई 20 रुपए मांग रहा है बारात करने के लिए, पालकी लेके चलने के लिए, चलेगा? महाराज क्या है? दादा बहने हो गया? हो गया है। ठीक है हमारा 15 रुपया में बनाएगा। ए तेरा भाई 15 रुपया मांग रहा है, तू 20 रुपया मांगता है? 15 रुपया मांगते रहे और क्या? महाराज हमारे के 10 रुपया दिखल जाये। ए तेरा भाई 10 रुपया मांग रहा है, तू 20 रुपया मांग रहा है? भाई सठर यही है। हमें नाम हम कहे के पैसा कम करेंगे। आगे से पीछे होखी है मौत। महाराज क्या है? हमारा 5 रुपया में बनाएगा। ए तेरा भाई 5 रुपया मांग रहा है, तू 10 रुपया मांगता है? महाराज हमारे 5 रुपया वो जन दे, हम खाली है चले अपना घर से खा कर और बारात हम कर। ए तेरा भाई कह रहा है खाली हम चलेंगे, घर से खा कर बारात करेंगे। महाराज क्या है? आपको बराती बाबू लोग को सबे लोग को अपने घर से खाना खिला के ले जाएंगे, हम उपासा हो जाओ हम पहुँच जाएंगे। लो भाई चलो हमारे घर दरवाजे पर परछावन करो, बारात जल्दी करो, देरी हो रहा है। ठीक है महाराज चलो।
ये परछावन होई ए सुला हां हमरा गांव के हाँ। ये सिवान हो है तेरा गांव के सिवान हो हाँ। तो का करे के बा ए जी परछावन होई तो परछा लगान सुन लो का हमरा गांव के चलान हटे हाँ। जे लइका के कोरा उठा के परछावन करे के ए भाई है चलान सुनता रह ए चलान फलान ना चाल सुनता रह ई बात कहो है कल नौ से के कोरा उठा के परछावन होई एकार कर हाँ। है पालकी धर अच्छा। आ ते नौ से के कोरा उठा लो आ परछावन हो जाओ आ तब चल जाला ही बा पालकी धर भाई ए भाई ए हैं लइका के देखनी है पहले लइका ना ना ए सुनी लइका तो हितनी के पातर कितनी के पातो कानी अगरी के पातो गिरगिट के बराबर देखी अरे बाप रे बाप नौशे जी कहा बानी नौशे जी हाँ सामने ताकि है दे अरे बाप रे बाप अरे कैसे कहा ही नौशे जाबो रहल हो दादा कावना पेढ़ी में जाबो रहल हो आज हो दादा है वो ओकर बॉडी देखे तानी है वो अपन छाती देखे तानी ए उठे में किना हाल दी आई बाप रे बाप आओ आज बोल हम का होले का जाला हां ए डाल दिए डाल आई